News 18, India. खचाखच भर गया है और मुझे लगता है कि अब एक कुर्सी पर दो दो लोग समा जाएंगे। अमृत, मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगी। आप क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं, अरसे से क्रिकेट को कवर किया है और इसीलिए पहली बॉल आपके हाथ में। लेकिन मैं कहूंगा कि लेडीज फर्स्ट। पहली गेंद सभी भाई को आप डालिए, थर्ड अंपायर तय करेगा। रिकॉर्ड्स में बहुत हल्का है। एक ऐसे मुकाम पर आप आ गए हैं जहां आपको किसी का खौफ नहीं है, ना अंपायर का खौफ, ना बैट्समैन का खौफ, ना मीडिया का खौफ, ना सेलेक्टर का खौफ। कुछ ऐसा है जिससे खौफ में रहता है मोहम्मद शमी? नहीं यार, कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि आज तक जितने क्रिकेट खेला हूँ, भाई के और पापा के अलावा शायद किसी ने, मुझे लगता है कि सपोर्ट भी ऐसा नहीं किया है। तो अगर डरना चाहिए तो फिर इन लोगों से डरना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ तक लेकर आए मुझे। बिल्कुल। और जितनी क्रिकेट आज तक मैं खेला हूँ, ना तो मेरा कोई गॉडफादर रहा है, ना मैंने आज तक किसी को भी सपोर्ट के लिए आज तक कॉल किया है, बात किया है, या फिर मैंने कभी ऐसा बोला होगा कि हाँ मुझे खिला दो कहीं पे। शमी भाई, वर्ल्ड कप की हम बात करें या फिर MICC के किसी इवेंट की हम बात करें, एक दौर ऐसा था जब हम कहते थे कि भारतीय बल्लेबाजों का कोई सानी नहीं है, लेकिन अब दुनिया ये कह रही है भारतीय तेज गेंदबाजों का कोई सानी नहीं है। और ये क्रेडिट जाता है आपको, मोहम्मद सिराज को, जिस तरह से आप लोग गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह जो वर्ल्ड कप में आपने कर दिखाया, वाकई काबिले तारीफ। आज ये कहेंगे कि हाँ, भारतीय गेंदबाजी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जिसकी वो हकदार थी। देखिए, वर्ल्ड कप में अब जो परफॉर्म हुआ है बॉलर्स का, उस पर सारे लोग बात करते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आप 2013-2014 में अगर आप जाना चाहेंगे तो वहाँ से जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी, तो अभी क्या है कि अभी हम तीन बॉलर इस वर्ल्ड कप में खेल कर आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट किया है। लेकिन मैं कहता हूँ, पिछले 7-8 साल में उमेश है, ईशांत है, मैं था, भुवी था, जस्सी आया, फिर उसके बाद फिर शिराज आया, तो ऐसे करके इस यूनिट ने अपना डंका बजाया है। तो 6-7 साल के रिकॉर्ड उठाकर देखिए आपने, हमने हर कंट्री को उसके घर में मारा है जाके। तो ये चीज़ एक कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, ये चीज़ एक ट्रस्ट बढ़ाती है एक दूसरे के साथ। वो ट्रस्ट 2014 से चलकर आज 2024 में आया है। जो लोग इंडियन क्रिकेट की बैटिंग पसंद करते थे, आज वो लोग हमारे लिए चेयर कर रहे थे, उससे बड़ी खुशी कभी नहीं मिली। आपने कहा कि आपने बहुत सारे क्रिकेटिंग या क्रिकेट टीम को जो है उनके घर में जाकर धोया है, सबसे ज़्यादा तो आप पाकिस्तानियों को धो रहे हैं। वो तो खून में है ना। उसका मजा ही रुबिका जी अलग है। पर वो लोग जो बार बार आपको और ख़ासकर पाकिस्तान से ये कहते रहते हैं, और चूंकि आज चौपाल के मंच पर आप मौजूद हैं, वो कहते हैं कि भाई सजदा करने बैठा था, कर नहीं पाया, खौफ इतना था उसे। तो मैंने तो जवाब दे दिया कि आपको किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाया, जहाँ मैं चाहूँगा मैं वहाँ पर सजदा करूँगा। जब मैं आज तक कुछ ना तो सजदा मैंने कभी ग्राउंड पर तो किया नहीं है, उससे तो हर इंसान डरता है, उसकी चौखट पर जाकर तो हर आदमी झुक जाता है, लेकिन मैंने कभी ग्राउंड पर सजदा किया ही नहीं है, और ना मेरे दिमाग में ऐसा था। 5 विकेट मैंने पहले भी लिए हैं, वो चीज़ साइड में कर दूँ। मैं उस दिन पिछले शो पे भी बोला हूँ ये बात कि मैं इंडियन हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ ये भी मैं फ़ख्र से कहता हूँ। अगर मुझे सजदा करना है तो मुझे कोई धर्म, कोई इंसान, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा रुबिका, हम पाकिस्तान में ही हैं, तो आपके पास एक गेंद थी वर्ल्ड कप में जिसमें आपने मशीन लगा रखी थी और वो गेंद दाएं बाएं जाती थी, सॉलिड, वो गेंद कहाँ है? वो चुपा के रखी लोग। नहीं, वो वसीम अकरम ढूंढ रहे हैं गेंद को। एक मजाक सा समझ रखा है क्रिकेट को, क्योंकि हम दूसरे की सक्सेस को एंजॉय नहीं करते। बेसिकली चीज़, मेन चीज़ वो है, क्योंकि
अगर आपकी तारीफ होती है तो आप बड़े खुश होते हो, सीना चौड़ा करके चलते हो रोड पर, लेकिन जब दूसरा तुम्हें ठोक कर जाता है ना, तो आपको लगता है नहीं ये चीटिंग करके आगे गया है। आप उठाकर देखो इतिहास को, आप उठाकर देखो जितने अब हमारे टाइम के जो रिकॉर्ड्स हैं, आसपास नहीं मिलेंगे, लेकिन जलन तो पूरी दिखती है। वो इतना जलने से कौन से रिजल्ट मिल जाने हैं। अच्छा, लेकिन शमी भाई, मुझे पता है कि जब आप बहुत जीत आपको हासिल हुई, लेकिन एक वो हार सबको चुभ गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, आपको तो बकायदा गले भी लगाया था। आपको लगता है ये ज़रूरी था? आप चाहेंगे कि आगे भी जीत हो के हार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, खिलाड़ियों से बात करें? देखिए, हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप उसको बदल नहीं सकते। एक टीम को हारना है, एक टीम को जीतना है, वो तो एक पार्ट है उस गेम का। लेकिन एक अच्छाई, एक लीडरशिप वहीं पे दिखती है जहाँ पे आप नीचे लगे हों या ऊपर चढ़े हो, उसमें कोई फ़र्क, उसको कोई लेवल दिखाई नहीं देता। वो अपने टीम के साथ है, अपनी यूनिट के साथ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ कि जब हमारे दिल टूटे हुए थे, जब आँख में आंसू थे, जब हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सामने रखा था, तब मोदी जी आए, उन्होंने सबसे बात की, सबको मतलब वो कॉन्फिडेंस दिया कि आप चाहे जो भी करो, बहुत अच्छा खेले हो आप लोग, हम आपके साथ हैं, पूरा भारत आपके साथ है। तो वो चीज़ जब सुनने मिलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। पर शमी साहब, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये आए इसलिए हार गए, पनौती जैसे शब्दों का भी बकायदा इस्तेमाल हुआ था, और आपने सुना होगा, मैं मुझे यकीन है। यार, ये तो अब पॉलिटिकल एजेंडे हैं, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता, लेकिन समझ में नहीं आता कि समटाइम अब किसी के आने से या किसी के जाने से हमें ग्राउंड में क्या फ़र्क पड़ रहा था। हम अपना 100% दे रहे थे वहाँ पे, हम अपना जान लगा रहे थे वहाँ पे, हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये ट्रॉफी जो सामने रखी है ये हमारे पास रहे, हमारे देश के पास रहे, बाकी हमें कुछ नहीं दिखता बाहर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, उस दिन कौन सबसे ज़्यादा ड्रेसिंग रूम में रोया था? सब रोए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सभी की आँखों में आंसू थे, क्योंकि 2 महीने की मेहनत है यार। एक वर्ल्ड कप भी एक ऐसा होता है, वर्ल्ड कप तो छोड़ो, मैं कहता हूँ जब आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हो गया है। आप जब कंट्री खेलते हो तो आपको समझ में नहीं आता बोलना क्या है, और उसमें से फिर अगर आप वर्ल्ड कप खेलते हो, मुझे लगता है लाइफ में बहुत गिने चुने लोगों की ज़िंदगी में वर्ल्ड कप आता है, तो वो अगर जीत जाते सॉर्टेड था सारा, क्योंकि उससे बड़ा सपना है ही नहीं कोई।